दार्जिलिंग को कनेक्ट यहाँ पे स्टेशन में टोटो। इटली चलती है यहाँ से। थर्ड एसी का किराया यहाँ से गुवाहाटी तक का आपका मान लीजिए 1150 करीब, सेकेंड एसी का 1600, स्लीपर का 400 और सेकेंड सीटिंग का 500 से 150। वीडियो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब एंड लाइक कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए ट्रेन का इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा, जो भी ट्रेन में मैं जाऊँगा उसका ब्लॉगिंग करते हुए, तो आप लोगों को रेगुलर अपडेट मिलेगा, ठीक है। ये है इसका इंटीरियर, ठीक है, सेकंड एसी का बाथरूम यूरोपियन दिया हुआ नहीं है इसमें, इंडियन दिया हुआ है। ये एक यूरोपियन एक साइड में आपका दिया हुआ है इंडियन। चलो इसमें सीसीटीवी कैमरा कोई दिया हुआ नहीं है। তো চার্জিং দিয়েছে না? হ্যাঁ চার্জিং পয়েন্ট আছে। চার্জারটা কোথায় রাখা আছে? তারপরে নেবি চার্জারটা আছে, এই গেছে চার্জারটাই তো করে নিব। फरक्का स्टेशन डिपार्ट कर रहा है। पहले यहाँ पे स्टॉपेज नहीं था, अभी यहाँ पे स्टॉपेज है। टोटल 3 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे,
ये आपका मेन लाइन गिरता है सिलीगुड़ी, इधर हावड़ा का मेन लाइन और दुर्गापुर का मेन लाइन।
जानकारी के लिए बता दूँ, मालदा ईस्टर्न रेलवे में गिरता है, डिवीज़न भी मालदा ही है। 7 प्लेटफॉर्म है मालदा स्टेशन में, कुल 133 ट्रेन यहाँ पे रुकती है, जिसमें से 24 ट्रेन टर्मिनेट होता है और 25 ट्रेन ऑरिजिनेट होता है। ये आपका मेन लाइन है एनजीपी गुवाहाटी का, और इधर हावड़ा का मेन लाइन, हावड़ा दुर्गापुर का मेन लाइन, यहाँ से भागलपुर का भी लाइन डाइवर्ट है। अगरतला बेंगलुरु कांड एक्सप्रेस रुका हुआ यहाँ। अगरतला बेंगलुरु स्पेशल ड्यू टू कोविड एसी में आप लोगों को कंबल उम्बल प्रोवाइड नहीं कराया जाता है अभी भी, पहले जब किया जाता था। थर्ड एसी फुल्ली खाली है। हम लोग जब आगरा में चले थे तब इसमें टोटल हमको लग रहा है 5 या 6 बंदा था, वो भी नहीं था। इंटीरियर देखिए थर्ड एसी का, टोटल खाली। सब में चार्जिंग केबल दिया हुआ, अभी चार्जिंग के लिए कोड। मालदा दिल्ली मालदा ये गाड़ी तो है, बगल में खड़ा हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 5 का, न्यू फराक्का एक्सप्रेस है। अभी भी सामान निकल रहा है, फराक्का एक्सप्रेस देखो।
डिब्रूगढ़ में भी राजधानी नई दिल्ली से आ रही है, डिब्रूगढ़ जाएगी। दो राजधानी खड़ा है, वहाँ नेम है डिब्रूगढ़ राजधानी, तीन नंबर में भी डिब्रूगढ़ राजधानी, 1423 मेन राजधानी, 20505 इटली राजधानी, वहाँ नेम है खड़ा हुआ है। और दोनों राजधानी इसको ओवरटेक करेगा, आगे कहीं रुकेगा दोनों ओवरटेक करेगा इसको। खराबी है, आपको पेंट्री कार नहीं मिलेगा, तो आपको बेस्ट ऑप्शन है आप IRCTC से फूड ऑर्डर कीजिए PNR देके, तो आपको खाना का क्वालिटी लगभग अच्छा मिल जाता है। गुवाहाटी बीकानेर देखिए सामने वाला बॉगी का क्या हालत है, चपटा हो गया। हालत हुआ था, कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, तो समझ सकते हैं।
टीवी में दिखाना अलग बात है और आप आके देखें कितना आदमी मरा होगा यहाँ पे। आदमी था मतलब जो भी इस सीट में था उसका हालत क्या हुआ होगा। कितना गिरा हुआ यहाँ पे, चक्का बाहर आ चुका है दोस्तों, चक्का। उधर पलटा हुआ है यार, रेलवे स्टेशन भाई हो, ठीक है। स्टेशन कोड है NCB, डिवीज़न गिरता है अलीपुर द्वार, प्लेटफॉर्म यहाँ पे है 7, ओपन हुआ था 1966 में, इलेक्ट्रीफाइड किया गया था 2021 में। और ये आपका मेन लाइन गिरता है अलीपुर द्वार जंक्शन का, जो भाई आपका सिलीगुड़ी जाता है, सिलीगुड़ी मतलब बिन्नागुड़ी होके हसीमारा होके उसका मेन लाइन गिरता है, और मेन लाइन आपका धूपगुड़ी, यहाँ से लाइन डाइवर्ट है दो लाइन। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। और मैं बता दूँ कोचबिहार फेमस है कुछ फेमस स्थलों के लिए, यहाँ पे राजबाड़ी है, आप यहाँ पे कोचबिहार आने से जरूर राजबाड़ी जरूर विजिट कीजिएगा, विजिट करके देखिएगा, 2-3 यहाँ पे जगह है फेमस, वो सब जगह जरूर घूमिएगा।
इतना पैसा देकर टेंट लेने से अच्छा नहीं लेना है। देखो वही इसमें हाँ हाँ अलीपुरद्वार डिपार्चर कर गया। ठीक है, अलीपुरद्वार का कोड है NOQ डिवीजन गेट अलीपुरद्वार, कनेक्ट कर रहा है आपको गुवाहाटी मेन लाइन न्यू जलपाईगुड़ी। और अलीपुरद्वार का और एक स्टेशन है अलीपुरद्वार जंक्शन भाया, वो सिलीगुड़ी होके जाता है बिन्नागुड़ी होके। ये आपका मेन लाइन है, वो कॉट लाइन गिरता है। इसके बाद ये रुकेगा न्यू भाया स्टेशन। स्टेशन कोड NBQ। परी जर्नी एंडिंग होता है बरपेटा रोड तक की सफ़र था। दो प्लेटफॉर्म है, नॉर्थ फ्रंट रेलवे में गिरता है, डिवीज़न है रंगिया, ओपन हुआ था 1965 में। मेन लाइन गुवाहाटी रंगिया, इधर मेन लाइन दिल्ली हावड़ा का यही है। डिस्ट्रिक्ट बरपेटा, यहाँ पे घूमने के लिए अच्छा अच्छा जगह है, जैसे नेशनल फॉरेस्ट है।